श्रीनगर के लाल चौक में राष्ट्रध्वज फहराने गए यूथ अकाली दल के नेता को हिरासत में ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में लुधियाना के एक यूथ अकाली नेता को हिरासत में लिया है, जो वहां के लाल चौक पर भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराने की कोशिश कर रहा था। पुलिस का कहना है कि अति संवेदनशील इलाका होने की वजह से कानूनन व्यवस्था भंग नहीं होने देने के लिए ऐसा किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए इस शख्स की पहचान लुधियाना के दीपक शर्मा के रूप में हुई है। वह शिरोमणि अकाली दल के युवा विंग का नेता बताया जा रहा है। दरअसल 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। इसके बाद देश भर में तनाव का माहौल है। इसके बीच दीपक शर्मा भी श्रीनगर पहुंच गए। उनका मकसद श्रीनगर के क्लॉक टावर और लाल चौक पर राष्ट्रध्वज फहराकर शहीदों को श्रद्धांजलि देना था। इससे पहले कि दीपक अपने मुकदमे में अंजाम दे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह लाल चौक बेहद संवेदनशील इलाका है, वह इस तरह की कोशिश किसी भी तरह की अव्यवस्था को बुलवा दे सकती है। ऐसे में यूथ अकाली नेता को हिरासत में ले लिया गया, बाद में इसे छोड़ दिया जाएगा।